राजस्थान राज्य में सावन के महीने में लहरिया साड़ी का प्रचलन है। मैंने जो ये लहरिया साड़ी पहनी हुई है वह खास तौर से सावन के महीने में ही पहनी जाती है। जैसे किसान वर्षा आने का इंतज़ार करता है, उसी तरह से मैं भी सावन आने पर बड़ी उत्साहित रहती हूँ, क्योंकि मुझे लहरिया साड़ी बहुत पसंद है। और लहरिया एक साड़ी की डिज़ाइन है जो कई रंगों से तैयार की जाती है। जैसे भारत का तिरंगा लहरता है, वैसे ही इस लहरिए को पहनने से जो लहर आती है वह इसे पहनने के बाद ही पता चलती है। विशेष प्रेम इसमें उपलब्ध होता है और भाई बहनों का भी विशेष देखा जाता है। राखी के दिन तो श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है उस दिन भाई बहनों मतलब देवराज जो इंद्र थे उनको इंद्राणी ने युद्ध के लिए जब वो जा रहे थे तो कुछ विशेष तिलक करके उनको भेजा था, तिलक नारियल देके, तो इंद्र जीत के आए तो उन्होंने विशेष उपहार में अपनी बहन को मिठाई का डिब्बा और लहरिया स्वरूप भेंट दिया था। उसी दिन से लहरिया विशेष प्रचलित है। बेटियां अपने मायके जाती हैं, इस दिन भी लहरिया का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान ने जो भगवान थे वो 12 महीने में मतलब कृष्ण भगवान है वो राधा जी के साथ श्रावण मास में ही रहते हैं और झूलते हैं, झूला झूलते हैं। जब राधा जी भगवान से लहरिया का रूप, लहरिया जिस तरह प्रकृति सुंदर हो जाती है, रंग बिरंगों से फूलों से सुसज्जित हो जाती है, उसी तरीके के वेश का निवेदन करती है कि मुझे भी इस तरीके का वेश चाहिए, तो उन्होंने लहरिया ला के दिया था। और उसी दिन से हमारे राजस्थान में लहरिया प्रचलित है और आज भी श्रावण मास में सभी स्त्रियां लहरिया पहन के ओढ़ के मतलब जाती हैं। लहरिया साड़ी एक प्रकृति का रूप है, जिस तरह साड़ी में लहर आती है उसी तरह प्रकृति भी बदलती है। सुनीता कसेरा, इंडिया नेट के लिए।